अरे थोड़ा जल्दी तैयार हो जा। हाँ हाँ हो तो रही हूँ। और पापा से तूने पूछ लिया था? उन्हें तो दिवाली पे कुछ नहीं चाहिए। मैंने नहीं पूछा, आप जाके पूछ लो। अरे यार कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए तो पूछ लेती। इतना ही प्यार उमड़ रहा है ना, तो खुद जाके पूछ लो उनसे। अच्छा तू जल्दी तैयार हो, मैं पूछ लेता हूँ। बड़े आए श्रवण कुमार, इतने दिन से मैं कह रही हूँ मायके ले जाओ मुझे एक दिन के लिए, तो मायके के नाम से एक दिन की छुट्टी नहीं मिलती महाराज को। लेकिन पिताजी का एक फोन आते ही ऑफिस से दो दिन की छुट्टी लेके गांव भी चले गए और माशा उनको लेके भी आ गए यहाँ पे। और पिताजी भी, बेटा दिवाली मुझे इस बार तुम्हारे साथ मनानी है, यहाँ अपने खर्चे पूरे होते नहीं है। और ये और पिताजी। हाँ बेटा। मैं वो दिवाली की शॉपिंग करने के लिए मार्केट जा रहा था, तो आपके लिए भी कुछ ले लेता हूँ? ना बेटा मेरे लिए कुछ ना था, कुछ ना करना। देख लो कुछ भी मंगवाना हो तो। ना बेटा तू भूल जाए हैं, कह तो मैं लिस्ट बना के दिए दूँ तेरे। हाँ आप लिस्ट बना दो। हाँ। मैं इतनी गाड़ी लगा रहा। ठीक है। पापा से पूछ लिया, ठीक किया ना मैंने? पूरी लिस्ट दिया उन्होंने अपने सामान की। वैसे ना कुछ चाहिए नहीं होता, लेकिन मेरी बात सुन लो, पहले मेरा सामान दिलवाना, बाद में देखना पापा की लिस्ट का। हाँ ठीक है। सारी शॉपिंग हो गई। बाप रे कितनी भीड़ थी। अरे वो पापा की वो लिस्ट भी देख लो, क्या क्या मंगाया उन्होंने। अरे हाँ यार। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या लिख दिया ऐसा? बेटा मुझे दिवाली पर तो क्या, किसी भी त्योहार पर तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें जिद की तो ला सको तो एक चीज जरूर लेकर आना, फुर्सत के कुछ पल। तुम्हारे शहर में तो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, शायद वहां तुम्हें फुर्सत के पल मिल जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा थोड़ा समय चाहिए। तुम मेरे पास बैठो, मुझसे बात करो, इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो ढलती हुई सांझ हूँ, अब मुझे अकेलेपन से घबराहट होती है, मुझे गहराते अंधेरे से डर लगने लगता है। मृत्यु पल पल मेरी ओर बढ़ रही है, जानता हूँ इसे टाला नहीं जा सकता, शाश्वत सत्य है। पर बेटा जब तक मैं तुम्हारे घर पर हूँ, कुछ पल बैठा कर मेरे पास, कुछ देर के लिए ही सही, बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। इतने साल हो गए तुझे गले नहीं लगाया, इतने सालों से तेरे चेहरे की वो बचपन वाली मासूम मुस्कान नहीं देखी। मुझे कुछ फुर्सत के पल लेगा, मुझे कुछ फुर्सत के पल ले आना बेटा, क्या पता अगली दिवाली मैं रहूं ना रहूं, क्या पता अगली दिवाली अगली दे रहा हूँ। हाय फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है बच्चों के द्वारा उनके माता पिता को दिया गया सबसे बड़ा उपहार समय हो सकता है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप अपने मम्मी पापा के साथ कुछ समय जरूर बैठें। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।
और अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।